हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या, राधे राधे। ये वाला जो ब्लॉग है वो कोई ब्लॉग नहीं है, बस एक अपडेट के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। एक हफ्ते का पूरा मेरा जो भी आप बोल लें अपडेशन है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। काफ़ी कुछ हो गया इन दिनों में, बट फिलहाल टच वुड, भगवान की कृपा से सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। तो सोचा आप लोगों के साथ एक लाइव अपडेट ब्लॉग शेयर करती हूँ। सात आठ साल बाद किया बस का सफ़र, वो थोड़ी ओके ओके थी, दूसरी वाली आदत नहीं रही है। हालत ख़राब हो, ख़राब नहीं, पूरी खस्ता हो गई हालत, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने परी चौक पे पहले ही पहुँच करके कैब कर दी थी, और हम, मैं तो सो गई थी, मम्मी बता रही थी सारे रास्ते साथ साथ ही चल रहे थे। दो तीन बार नन्नों से हाई भी किया है ना श्रीना, हाई किया था ना दादी ने किया, बंटी चाचू ने किया। अच्छा, और दोबारा से फिर बंटी चाचू ने किया। मैं जो है वो क्या बोलते, बेहोश सी हो गई थी और गर्दन मेरी टूट रही थी, रात भर सो नहीं पाई। चलो जी, फाइनली आगे नोएडा पहुंचते हैं घर, बड़ी मुश्किल से घर मिला। मम्मी खोल के, कितना बड़ा ये, कितनी ये, कितनी बड़ी है? हाँ, तुम खा बैठन जा रहे सड़क किनारे। बस देखिए, एक आ गया गद्दा हमारा, इसके बाद ये गद्दा खरीदा गया है। ये गद्दा जब नन्नू होने वाली थी तब लिया गया था, है ना मम्मी? तभी का तो है कि उससे पहले का है? आदमी लोगों के साथ यही होता है। कलर सही है, इधर करो, इस तरफ करना, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ये देखो ठीक है, सब बढ़िया, ये अच्छा लग रहा कलर। जो कलर बढ़िया, सही है। अब इतनी ठंड है ना ज्यादा, और जो दो चार घरी करो जान मुड़ गई है। देते दे अंदर करे, दे भैया करे, दे सही है। कुत्ता है ये शाम को, हाँ ये इनका प्रेमी, बहुत प्रेमी है कुत्ता। कुत्ते में बहुत प्रेम है। हाँ, एक सुंदरी आई, एक जाने कौन कौन आई, और दूसरों आएगा तो सुंदर है। एक के कुत्ता के आगे से भाई उठाए गए दूध को कटोरा, भाई दे आई भाई। हम बताए ना, अब तो कम कर दो, मैं तो शाम तक 100 रुपया कुत्तन के हैं। तुम जो देखो मेरे दरवाजे, अब 4-5 कुत्ता बैठी रहा। ये देखिए ना, लाइट नहीं आ रही है तो कुछ आ ही नहीं रहा है, घर में अंधेरा है। हाँ, मेरे नंबर से हुई थी, ये फ्यूज उड़ा था। नन्नू इसको अंदर तक ले आई, बता कितना प्यार है नन्नू को इससे। अरे अरे अरे, क्या हो गया, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बताओ। हाँ, क्या करें, क्या करें, बताओ, फिचल रहे हो तुम, क्या बात, क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, लौट लो, लौट लो, लौटना है, चिकने हुए जमीन। Thank you.
देखो देखो देखो, तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, चलो बस। क्यों, तुम्हारे लिए नहीं है ये, नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है, नहीं है। इधर रख लूँ क्या? नहीं आएगी, इधर ही रख लेती हूँ। चलो पानी पियोगे आप मम्मी जी? बताना जब प्यास लगे तब हम पिला देंगे। उठा के बैठाल दो पहले, रुको हम पकड़े तुम जो। आज डेट कितनी, डेट दिन टाइम कुछ याद नहीं इस वक्त, इतना माइंड में वो है हौच पौच, कुछ भी याद नहीं है। काजल और मम्मी अंदर दोनों लोग सो रहे हैं, सो नहीं रहे मतलब लेटे हैं। मम्मी सो रही हैं, काजल लेटी हुई है, उसके थोड़ा सा थकावट तो हो ही जाती है, दर्द हो रहा था शोल्डर में, तो मैंने कहा थोड़ा सा तुम आराम कर लो और मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल। थोड़ी देर से बैठी हुई थी, सर फट रहा था, तो अभी जाऊँगी चाय पीऊँगी। और मम्मी का आज व्रत है, एकादशी है आज, तो पूजा वूजा करके फुर्सत हुई है, शाम का टाइम है। और इधर मम्मी जी वाले जो फतेहगढ़ वाले लड्डू गोपाल जी हैं ना, वो भी रखे हुए हैं। और क्या बताऊँ, आज मेरा पूरा दिन बहुत उलझन में गया, बहुत बहुत मेरा उलझन, मेरा बहुत माइंड ख़राब रहा अंदर ही अंदर में, बहुत कुछ एक बात है उसको लेकर के मैं बहुत परेशान रही। पर चलो कोई बात नहीं, वो तो होना ही है। बस ये है कि बहुत जल्द से जल्द ये वाला जो घर है वो हमें खाली करना है और यहाँ से शिफ्ट होना है। अब देखते हैं कितने दिन बचे हैं हमारे पास, ये देखना है, तब आप लोगों को बताते हैं। इतने दिन फरकाबाद में कैसे निकल गए, कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। हंसते खेलते कूदते घूमते फिरते मज़े करते हुए पता भी नहीं चला। बट हम चाहे कहीं भी चले जाएं लौट के, तो हमें अपने घर ही आना होता है। और फिर मुझे इतना ब्रेक चाहिए था, अगर मैं इतना ब्रेक ना लेती तो शायद मैं पागल ही हो जाती सोच सोच के। तो थोड़ा सा होता है ना, माइंड डिस्टर्ब होता है। और उसमें से कुछ लोगों ने जरा से मैं जज भी कर लिया कि तुम तो घर चेंज करने वाली थी, तुम तो इतना रोती थी, इतना हंस क्यों रही हो, चोरी हुई है ये। तो किसी भी एक चीज़ को, इंसान से इंसान चले जाते हैं, तब भी इंसान हंसता है खेलता है गाता है, वो बात अलग है। थोड़ा वक्त लगता है, वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है। और बुरा वक्त है, हंस के काट लो या रो के काट लो, काटना ही है। अगर आप रो के काटोगे तो और भारी लगेगा, इससे बेटर है आप थोड़ा सा हंस के काट लो। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को क्या बोलूँ, चार्ज अप करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए थोड़ा सा मैं इन सारी चीज़ों से, इस सारे माहौल से मैं दूर गई थी थोड़े दिनों के लिए। बट वहाँ पर भी देखिए ऐसी प्रॉब्लम हो गई आते आते। इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, अंदर आ रहा है बार बार। तो माइंड में थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली बहुत सारी उलझने हैं। और बहुत कुछ कहना है, बट फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो ये है कि मदर इन लॉ की जो हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। और नन्नू को देख देख के हंसी आ रही मुझे, वो डूडू के साथ खेल रही है। हाँ क्या बात, मैं क्या करूँ क्या करूँ, मैं मुझे तो ऐसे देख रहा है ऐसे करके उसका मन है आके सोफे पे बैठ जाए, बट इतना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा हाइजीन का इशू है, लोग बाहर रहते हैं। बट नन्नू को, मेरी नन्नू जान है, कुत्तों में जान बसती है नन्नू की, बहुत प्यार करती है वो, बहुत बहुत ज़्यादा। वो तो चिपटती नहीं है मेरे डर की वजह से, मैं उसे वरना वो चिपट चिपट के गले वले लग के सब वो एक सगा दे, हाथ फैलाती फिर मैं हाथ फिराती फिर मैं कहती हूँ हैंड वॉश कर लेना तुम। नन्नू एकदम दिल लगा के रखती है, बच्चों के साथ दिल लगा रहता है। मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कहाँ का कहाँ बना, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के तरीके से इसको नहीं बनाया, बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूब की फैमिली हो। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया मैं कंटिन्यू रहूँगी, तो मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होगा एक्स वाई जेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी वजह से मैंने पता नहीं कैसे कैसा बना कैसा नहीं बना ये वाला ब्लॉग, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है। जैसा भी बना आप लोगों के साथ शेयर किया है, और प्लीज़ इसलिए और शेयर किया है, जितनी ज़्यादा दुआएं मिलती हैं उतना ही अच्छा रहता है। तो आप लोग प्रे करना मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, सही से हो जाए, और जो मदर इन लॉ की हेल्थ है
वो भी ठीक हो जाए। बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वाला जो ब्लॉग है वो शेयर किया है, आपको अपडेट दी है, जो भी आप ठीक समझो। काफ़ी उलझनों में चल रही हूँ, हो सकता है पता नहीं अब नेक्स्ट ब्लॉग कब डालूंगी, बट कोशिश करूंगी जल्दी से डालने की, क्योंकि अभी वही बात फिर से कहूंगी, अभी प्रायोरिटी बस मदर इन लॉ की हेल्थ है और कुछ भी नहीं। और बंटी भैया, प्रखर भैया, काजल, ये हम सारे लोग, मेरी मम्मी, सब लोग यहीं पर हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर बिस्तर लगे हुए हैं, इस तरीके से सारे बिस्तर रख देते हैं यहीं पर, हम लोग सारे लोग लेट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। तो बस यही है, क्या बोल रही थी, भूल हो गई। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और दिक्कत, परेशानी, उलझने तो बहुत हैं, बट हंस के मुस्कुरा करके ही सब कुछ वक्त बिताना है। प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही है, बट व्लॉगिंग क्या, यही व्लॉगिंग है, अपनी लाइफ ही आपसे शेयर कर रही हूँ, तो यही व्लॉगिंग है। और ये वाला ब्लैंकेट भी मैं इधर ही ले आई थी, कल दो ब्लैंकेट परचेज़ करके आई हूँ, क्योंकि कल ही की बात है, हाँ प्रखर भैया ने बोला वो ठंड लग रही थी उनको, तो फिर मैं गई तुरंत, मैंने कहा चलो परचेज़ करके लाते हैं। तो बस मैंने आपको अपडेट ही देना था, और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे का कुछ पता नहीं है, बस इतना बोलूँगी फ़िलहाल, मुझे ही कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको क्या कन्फर्म करूँ। तो देखते हैं, जैसा जैसा होगा वैसा वैसा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। बस मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।